नमस्कार दोस्तों, समाज की जुबा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हैं सूर्यनगर में, यहाँ पे अजय सर हैं जो गली क्लासेस चलाते हैं और समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्री ट्यूशन देते हैं। तो आज पुस्तकालय में तो आप देखेंगे कि जो उपन्यास काव्यांश वगैरह रखे होते हैं, यहाँ पे जो सारी पुस्तकें रखी हुई हैं वो स्ट्रीम की रखी हुई हैं, जो बच्चों को पढ़ने में काफ़ी मदद करती है। दूसरे कमरे में देखते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा माहौल दिया गया, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो भी हम चलेंगे जहाँ अजय सर अपनी गली क्लासेस लेते हैं। अभी हम मिलेंगे अजय सर से जो गली क्लासेस चलाते हैं। तो अजय सर ने बताया था कि धूप में जो क्लासें हैं वो अंदर लगाई जाती हैं इनके घर में, और बाद में शाम होने के बाद गली में लगाई जाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी जुनून है बच्चों के अंदर, और ये बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। आ जाओ, ये है अजय सर की गली क्लासेस।
जो घर के पीछे ही उन्होंने लगा रखी है। तो अजय सर से पूछेंगे कुछ। अजय सर कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है गली क्लासेस में, समाज की जुबा चैनल का। बहुत बढ़िया हूँ। अजय सर ये थोड़ा रियर सा कॉन्सेप्ट है, हमने पहले मतलब कभी सुना नहीं था भी गली में भी क्लासेस लग सकती हैं। तो आप समाज के लिए काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? पहले जब समाज के लिए हम नहीं मतलब जवान होना स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे समाज की भावनाएं अंदर शरीर अंदर आने स्टार्ट हुई थी, तो उस समय और तरीके से हम समाज के लिए लड़ते थे। लेकिन अभी जाके समझ में आया कि असली जरूरत जो समाज की है वो शिक्षा की है। वो हमें कहाँ से मिली है? वो लाइब्रेरी से। जैसे आप अभी गए थे फुले अम्बेडकर पुस्तकालय से, वहाँ जाने के बाद एक चैलेंज मिला था कि आप जो पिछड़े तबके में रहते हो, पिछड़े एरियो में रहते हो, यहाँ लाइब्रेरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हमने उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया, और उस चैलेंज को जब हम लिया उनको और उसको तैयारी करना शुरू किया, अपने आप को तैयार कर लिया हमने इस तरीके से। किसी भी हालात में बच्चों को पढ़ाने का जो चैलेंज लिया था वो हमने लिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटित हुआ कि जो राजनीतिक लोग या जैसे भी लोग थे उनके कारण हमें लाइब्रेरी कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ा। जब हमने लाइब्रेरी छोड़ी तब हमारे दिमाग में आया कुछ लोगों के कारण क्या हम सभी बच्चों को छोड़ सकते हैं आधे में। उस टाइम सोचा नहीं, ये नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तब कॉन्सेप्ट आया गली क्लासेस का। फिर उस टाइम दिमाग में ये आया क्या जहाँ लाइब्रेरी या धर्मशाला या छत सर के ऊपर है सिर्फ वहीं पढ़ाई हो सकती है या वहीं पढ़ाया जा सकता है, यानी कि हमें संसाधनों की जरूरत है। मुझे उस टाइम यह समझ में आया कि संसाधनों की जरूरत उस टाइम नहीं है। आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए लिखने के लिए, बैठने के लिए जगह, और पढ़ाने वाला एक अच्छा टीचर और पढ़ने वाले अच्छे बच्चे बच्चे बस वही कॉन्सेप्ट है गली क्लासेस का। जब इस मुहिम को हमने शुरू किया बड़ा अजीब सा लगा कि पहली बार कि हम गली में जाएंगे, गली में जाके लोग क्या सोचेंगे, गली में बोर्ड रखेंगे, बच्चों को बिठाएंगे, थोड़ा अजीब अजीबो गरीब लगा था। और जब मैंने लोगों को बोला तो उन्हें भी अजीब सा लगा कि गली में कैसे पढ़ाएंगे हम लोग, कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने फिर कई लोगों को बताया इसके बारे में भी कि कॉन्सेप्ट है गली क्लासेस का, आपको आना पड़ेगा। तो एक दो दिन वेट किया, कोई नहीं आया। फिर मुझे एक एक्सपीरियंस एक चीज़ का हुआ जो मैं सभी से साझा करना चाहूँगा कि आप कोई काम करना चाहते हो उसे शुरू कर डालो। एक दो दिन वेट कीजिए आप किसी को जो आपका जो प्लानिंग करी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो कर डालो उसको। जैसे ही वो अच्छी अपनी राह पे चलेगी लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट मेरे को मैंने अपनाया, टेबल उठाया, जब गली में गया, दो तीन चार बच्चों को ले गया, बिठाया, टेबल लगाया गली में। कुछ नहीं सोचा मैंने, कौन क्या सोचेगा, सोचने दो जिसको सोचना है। दिमाग में बस टारगेट था कि ये अचीव करना है मुझे बस, और जो सोचना है सोचने दो। और उस दिन हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे तरीके आए कि बच्चों के दिमाग में हम किस तरीके से घुस सकते हैं, कैसे अपने महापुरुषों को उनके दिमाग में डाल सकते हैं। क्योंकि स्कूलों में मुझे नहीं लगता कि हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ समझाया जाता है। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं बच्चों के, पेरेंट्स के लिए भी होती है, जो हम स्कूलों में गायब है। या ये बात लगा लीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते जहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अच्छे स्कूल से पढ़े, हमें पता है कैसे उसके कामयाब करना है। फिर उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हुआ, लोगों तक ये बातें पहुंचने स्टार्ट हुई कि गली क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हार तो माननी ही नहीं है, हार नहीं मानेंगे। बस ये बात हर बच्चे को समझा रहे कि बेटा हार नहीं मानेंगे, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर दिल में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, टीचर्स आए, प्रिंसिपल आए, डायरेक्टर्स आए, IT इंजीनियर्स आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए मुझसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत हौसला बढ़ा। एक सुरेंद्र टाक जी है और भी कई टीचर्स हैं, वो जुड़े, और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि होगा आने वाले समय के अंदर। और बहुत लोगों से मिला, सभी का पॉजिटिव रिस्पांस रहा। और इसके बाद हम सूर्यनगर में, और लगभग हमें हमारा टारगेट है इस आर के अंदर 10 जगह ये क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ। और हमें कोचेज भी मिल रहे हैं कि हम जैसे हमारा आप कोई अभी चलेंगे थोड़ी देर में ग्राउंड, जो हमने मतलब खेलने के लिए जगह बच्ची कहाँ है बच्चों के लिए। आज अगर इधर बच्चे 10 बच्चे गली में खेलते, पड़ोसी तो परेशान, घर वाले परेशान, वो चिल्ला भी नहीं सकते, बताओ। सही बात है। जब तक बचपन जो होता है बच्चों का, चिल्लाना शरारत करना अगर यही नहीं कर पाया बचपन के अंदर तो क्या बचपन है। उनको जो गली क्लासेस कॉन्सेप्ट है, गली क्लास में आप संयम से बैठो, सुनो, समझो, पढ़ो, लेकिन एक समय भी उनको देना पड़ेगा कि वो चिल्लाएं, दबा के चिल्लाएं, दिल खोल के चिल्लाएं और दिल खोल के हंसें और दिल खोल के घूमें, कूदें। वो कॉन्सेप्ट हमने रखा उसके अंदर कि बच्चों का हर तरीके से विकास हो। तो हमने वो स्पोर्ट्स विंग, जो हमने इसका नाम स्पोर्ट्स विंग, आगे का पता नहीं क्या नाम होगा उसको, लेकिन स्पोर्ट्स विंग को तैयार करी, इसीलिए करी। फिर आया भाई स्पोर्ट्स तो अब स्टार्ट कर लिया,
और अब करना क्या आगे, धीरे धीरे फिर थोड़े थोड़े पैसे अरेंज करके बच्चों से, ताकि एक टीम वर्क बच्चों के अंदर भी आए। 5-5, 10 रुपये के बैडमिंटन ले गए, फिर मैं मेरी तरफ से कुछ किया, हम स्पोर्ट्स के संसाधन जुटाए इसके अंदर। अभी आगे का जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, एक चीज़ है वो अभी मैंने इम्प्लीमेंट करा नहीं, लेकिन प्लान है। इसमें सभी तबके के बच्चे आते हैं, वो भी आते हैं जो एक ऑटो चला रहा है, मजदूर है, वो भी आ रहा है इसमें। हम उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उनसे बस हमें एक ही पेरेंट्स से एक ही गुहार लगाएंगे कि जो हमारे बच्चे हमारे जो खेल रहे हैं मैदान के अंदर, वो अगर खेलना चाहते हैं, स्टेडियम में जाना चाहते हैं, उनके पास जाने का संसाधन नहीं, ये बात तो ठीक है, अभी जाने वाला तो कैसे भी जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा दायित्व भी बनता है बच्चों के लिए, भी थोड़ी सी हेल्प करें उनको। तो उस ऑटो वाले से थ्रू हम स्टेडियम में भेजेंगे, स्टेडियम में भी हमने कोच अरेंज कर लिए जो हमारे बच्चों की हेल्प करेंगे, उनको स्टेडियम तक पहुँचाना है, ये हमारा स्पोर्ट्स विंग का टारगेट है। तो जी सर, स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आपने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया, आप अपने भाई प्रशासन के साथ में लड़के या अपने ही समाज के लोगों के साथ लड़के आपने एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की, और बाद में आप उसी लाइब्रेरी के अंदर इन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे जो बच्चे, जिनके लिए पूरा संघर्ष था। तो ये क्या दिक्कतें थी, ये किन लोगों की वजह से क्या दिक्कतें आ रही थी आपको, थोड़ा मेरे को सुबह ये चीज़ मेरे को लगा कि मतलब बहुत जगह मैंने देखा है कि हम कोई प्रयास करते हैं, हम ले आते हैं उस चीज़ को जो हम चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो एक स्वामित्व वाली बात आती है, जो थोड़ी भाई मैं नेता, मैं हूँ बड़ा इस काम में, तो उस तरह की कुछ बातें आई क्या आपके सामने? सर मैं अब उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो शॉर्ट कहीं ना कहीं हमने शॉर्ट आउट कर लिया, हमारा अब टारगेट ही कुछ और है सर। ये महान लोगों की बातें होती हैं कि जो मुसीबतें आई और चली गई उनको अब हम देखना भी नहीं चाहते। अजय सर बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुन के। तो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं ये जो बच्चे आए हुए हैं, तो क्या सारे ये इसी पड़ोस के बच्चे हैं या फिर कोई बाहर से भी आता है कोई? अभी धीरे धीरे आस पास पड़ोस के बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए कि भैया पूछते हैं, भैया ट्यूशन होता है यहाँ फ्री, गली क्लासेस लगती हैं, बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी बेस्ट स्टार्ट करना है हमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेक्चरर्स है, प्रिंसिपल है, वो चाहते हैं हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बेस्ट स्टार्ट करना, 10th क्लास के 5 से 6-7 बच्चे हो जाए तो हम उन बच्चों को पढ़ाने का अलग बेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इंजीनियर्स लाइन के भी टीचर्स हैं हमारे पास, और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है उनके लिए भी टीचर हमारे पास टीचर्स हैं, बस अभी उनका बेस्ट स्टार्ट करना बाकी है। अभी बच्चे को अरेंज कर रहे हैं, सभी बैच जो स्टार्ट हो जाएगा तो टीचर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, हार तो मानना ही नहीं है। तो अभी फिलहाल आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी कम से कम 40-45 बच्चे हैं, और इसको हम और बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि अभी मैं टीचर्स का भी, मैंने आपको बोल रहा था कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, आप तैयारी करना स्टार्ट किया, कुछ लोगों को बोला, कुछ लोग आए नहीं आए, बड़ा थोड़ा सा तो मैं कह रहा मुश्किल तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी सी बस वो दिक्कत होती कि इतने बच्चों को एक साथ संभालना और उनका पढ़ाना, तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसका अभी मैंने थोड़ा समाधान तो निकालना ही पड़ेगा हर चीज़ का। तो हमने इसका समाधान ऑनलाइन क्लासेस निकाला, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, और बच्चों को जिनको ऑनलाइन क्लासेस एक क्लास के हैं उनको अलग बिठा के उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, फिर बाद में जिस बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है वो आपस में उस चीज़ को डिस्कशन करते हैं, और साथ में कॉपी पेंसिल लेके रखते हैं ताकि नोट्स बनाते रहते हैं, तो इससे एक क्लास हैंडल हो रही है। तो अभी आगे की जो है कि उसमें टीचर्स मुझे कुछ ना कुछ बढ़ाने पड़ेंगे, इसकी ज़रूरत है, यही कहूँगा मैं, अभी टीचर सभी और आएंगे, बैचेस अच्छे से स्टार्ट होगा। तो हम अपने एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग शायद गली क्लास से इंस्पायर हो रहे हो शायद, तो उनके बात कहना चाहूँगा कि आप जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हो ना, बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक सफाई कर्मकार जातियों के साथ काम करोगे, जो सफाई कर रहे हैं उनके बच्चों को, हमने वो चीज़ हासिल करी, माता पिता की भी हमने क्लासेस ली, उनकी भी मीटिंग ली, उनके दिल में भी अरमान और वो जज्बात जगाए। मैंने उनको एक बात बोली जो शायद मुझे भी बोलने के बाद अच्छी लगी, कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप नहीं पढ़ पाए थे, तो आपका क्या टारगेट था? भाई मैं तो पढ़ा नहीं, मेरे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन क्या वो पढ़ पा रहे हैं? मतलब जो उनका शादी होने से पहले जो उनका सोचा करते वो ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर विश्वास जगाया। पेरेंट्स जो इतना अच्छा इस गली क्लासेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, विश्वास जीता कि जवान जवान बच्चे हमारे, मतलब समझ सकते हो कि जिस बैकवर्ड एरिया में जो बच्चों को भेजना, जवान बच्चों को भेजना भी बड़ी बड़ी मतलब उपलब्धि, मुझे मैं मानता हूँ कि एक उपलब्धि है, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आगे गली क्लासेस बहुत ज़बरदस्त काम करेगी, मेरे जितने भी टीम के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समाज की जुबा चैनल जो हमारे पास पहली बार आया है, और मुझे अच्छा लगा, आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझे बताया इस चैनल के बारे में, यह चैनल
ऐसी ही कोई खबर नहीं दिखा रहा जैसे बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, कभी ये हो गया वो हो गया उसने उसका खून कर दिया। नहीं, ये जो चैनल है ये आपको सिर्फ आपके समाज से जो लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ उसका उसको दिखा रहे हैं। इनको पब्लिसिटी मेरे ख्याल से टीआरपी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने कुछ सीमित कर लिया कि हम ये चीज़ दिखाएंगे जो सही भी है, ताकि इंस्पिरेशन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो मैसेज देने का काम समाज की जुबां कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जो लोग इसे देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। तो अजय सर के बारे में कुछ निजी लाइफ के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे अजय सर के बारे में। अजय सर आप वैसे काम क्या करते हैं? सर मैं जिंदल हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, और उसके बाद जब मेरे को ये चैलेंज मिला था कि मुझे ये करना है, तो मैंने अपने रिटर्न में दिया मैंने मैनेजमेंट को कि मुझे ये टाइम मुझे बच्चों के लिए चाहिए होता है कि मैं घर पे जाऊँ और फिर बाद में बच्चों के साथ इन्वॉल्व हूँ और जो मेरा टारगेट है मैं उसको अचीव करूँ। तो मेरे मैनेजमेंट ने मुझे बहुत सहयोग किया कि मुझे मेरी ड्यूटी जो मैंने उन्हें बोला था उन्होंने मुझे दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर के जज्बे को देखकर हमें लग रहा है कि जो लोग संसाधनों का हवाला दे के छोड़ देते हैं बीच में काम को, ये बोल देते हैं कि भी हमारे पास में तो संसाधन नहीं है हम नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के मुंह के ऊपर ये एक करारा तमाचा है गली क्लासेस जो अजय सर चला रहे हैं। बिना संसाधनों के सर ने इतना जो उत्कृष्ट कार्य किया है समाज के लिए, जो अभी भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, और भाई हमारी कामना है आज इस एरिया में एक गली क्लासेज है, ऐसी ऐसी 100 क्लासेज और चलें ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अपने स्तर को उठा सकते हैं, जीवन स्तर को उठा सकते हैं, हम अपनी हर दिमागी स्तर को भी उठा सकते हैं शिक्षा के द्वारा। क्योंकि जो एक अनपढ़ आदमी होता है उसकी एक सोच रहती है कि वो ये सोचता है कि भी एक टाइम का खाना मिल जाए बहुत है। अगर जानवर भी अगर यही काम कर रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं कि हमें एक वक्त का खाना चाहिए, हमें पेट भरना है, तो उनमें और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो अजय सर की अभी हम और आपने हम क्लासेस देख ली अजय सर की, तभी हम अजय सर के जो प्लेग्राउंड पे चलेंगे। देखिए आप कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमा के आप दिखाइए, काफ़ी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हर एज के बच्चे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, 3 साल से लेके और 15-16 साल तक के बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं। और ये तो सर बैचेस में चलाते हैं, काफ़ी बच्चे और आने बाकी हैं, क्योंकि जो जब तक धूप रहती है तब तक क्लासेस जो है गली में शुरू हो जाती है चलनी। तो अभी हम अजय सर के ग्राउंड पे चले।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर मेरी तो यही राय रहेगी। तो आज हम अजय सर से मिले थे, तो आज हमारे लिए समाज के युवा बने अजय सर। तो अजय सर से स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो अजय सर, आपको, आप भी स्पोर्ट्स से हो क्या पहले कभी? मेरा बेसिकली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही रहा है, हमेशा से बचपन से मैं स्पोर्ट्स में खेलता रहा हूँ। इससे पहले मैं स्टार्टिंग से, जब मैं लगना स्टार्ट किया था, मैंने कराटे खेले, 3-4 साल लगातार खेले हैं और मैं उसमें येलो बेल्ट हूँ। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज कराती है ट्रैकिंग ट्रैकिंग रैपलिंग पहाड़ों पर चढ़ने का, वो भी मैंने 3-4 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। और उसके अलावा मैं हॉकी खेली है मैंने सिरसा की टीम से, और हमारी हरियाणा में 3rd पोजीशन थी। और तो अजय सर का है ना, कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट नहीं जा रहा है। तो अजय सर पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बच्चों के साथ में। तो अजय सर, हमें आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आज आप हमारे लिए बने समाज की जुबान। तो सर आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की जुबान को, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी धड़ाधड़ न्यूज़ देखते रहते हैं, जो किसी काम की नहीं होती, बेवजह की न्यूज़ देखते रहते हैं, उसे शेयर मारते रहते हैं, लाइक मारते रहते हैं। ये वो चीज़ है जो समाज में एक मैसेज लेके जाएगी, मोटिवेशन लेके जाएगी। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अजय सर की तरह ही अगर आपके आसपास में कोई समाज की जुबान बना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उन्हें समाज के सामने ला सकें और उनके कार्यों को एक पहचान दिला सकें।